हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आप सबका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मलाई कोफ्ता विद व्हाइट क्रीम। चलिए बनाना शुरू करते हैं। चलो मैं अब दिखाती हूँ मलाई कोफ्ता के रेसिपी। ये है पनीर 200 ग्राम कद्दूकस किया हुआ। ये है मावा 100 ग्राम कद्दूकस किया हुआ। दो मीडियम साइज आलू कद्दूकस किया हुआ। कॉर्न फ्लोर 2 चम्मच के आसपास। फिल करने के लिए 7-8 काजू, 7-8 किशमिश छोटा छोटा कट करके। ये इलायची है, फिल करने के लिए काजू और किशमिश में डाल के थोड़ा सा मिलाएंगे। इसमें डालेंगे पनीर, एक बड़ा हरा मिर्चा छोटा छोटा कट किया हुआ। सारे को मिक्स करेंगे अच्छे से। मिक्स करके एक डो बनाएंगे। इसका मैं छोटा छोटा पीस बना करके गोल गोल का बॉल बनाऊंगी। बराबर ये सारे बॉल मैं तैयार कर ली हूँ। इसमें फील करने के लिए जो काजू और किशमिश मैं तैयार की थी, कट की थी, उसमें इलायची डाल करके मिक्स करेंगे एक आधा चम्मच। बॉल को गोल करके चपटा करेंगे। चपटा करके आधा स्पून डाल करके फील करेंगे। फील करेंगे, फील करके धीरे धीरे उसे होल शेप देंगे। होल शेप देंगे। शेप देने के बाद उसको शेप दे करके धीरे धीरे शेप देके पान फ्लोर में कोटिंग करेंगे। एक पतला लेयर कोटिंग करके कोटिंग करेंगे। इसी प्रकार सारे बॉल को तैयार करेंगे। देखिए सारे बॉल रेडी हो गए। चल रहे हैं गैस पे, कढ़ाई रख के आसान करेंगे और हाई फ्लेम पे तेल गरम होने दें। जब तेल गरम हो जाए तो मीडियम आंच कर दें। तेल गरम हो गया है, बॉल को कढ़ाई में डालें और स्लो मीडियम आंच पे ही बनाएंगे, नहीं तो बॉल फटने का डर रहता है। Da 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 da
बॉल पे तेल डालते रहेंगे ऐसे, नहीं तो बॉल फूटने का डर जाता है। और गोल्डन ब्राउन तक इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए मेरे सारे कोफ्ते गोल्डन ब्राउन हो गया। इसी प्रकार मैं सारे कोफ्ते को गोल्डन ब्राउन तक फ्राई कर देती हूँ। 2000 years later। ये देखिए सारे कोफ्ते गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गए। अब ग्रेवी के लिए रेसिपी दिखाती हूँ। ये है ग्रेवी के रेसिपी। ये है खरबूजा, खरबूजा का पेस्ट। मैं खरबूजे के बीज को 2-3 घंटे भिगो करके उसका पेस्ट बनाई हूँ 50 ग्राम, और 50 ग्राम काजू भी भिगो करके पेस्ट बना ली हूँ। ये फ्रेश मलाई है 1 कप, 2 मीडियम साइज का प्याज, 4-5 कली लहसुन, 2 हरी मिर्च और 1 छोटा स्लाइस अदरक का पेस्ट। इन सबों को काट करके और पानी में बॉयल कर ली हूँ। बॉयल करके उसको पीस करके पेस्ट बना ली हूँ। ये 1 कप दही है, दही को फेंट करके रख ली। ये तड़का लगाने के लिए जीरा है, स्वाद अनुसार नमक, ये है मस्टर्ड ऑयल 3-4 चम्मच, ये जीरा पाउडर, ये है धनिया हरा धनिया 3-4 स्पून कटा हुआ, ये कुछ खड़े मसाले हैं 1 स्लाइस दालचीनी, 2 इलायची 1 बड़ी इलायची और काली मरीच और 2 लौंग को मैं कूट करके मसाला बनाएंगी, दर गरम मसाला। गैस मैं ऑन कर रही हूँ और कढ़ाई रख के तेल डालूंगी गरम करने के लिए। जब तेल गरम हो जाएगा तो गरम करके हाई फ्लेम पे तेल गरम करेंगे। जब तेल गरम हो जाएगा तो तड़का लगाने के लिए इसमें 1 स्पून जीरा डालूंगी, 1 स्पून जीरा डालूंगी। अब मैं इसमें कूटा हुआ जो मसाला तैयार की थी उसको मैं डाल दूंगी। सबका भूनने के बाद मैं प्याज वाला पेस्ट डाल दूंगी। बीच बीच में चलाते रहिए, चला के थोड़ा पका। जब तेल छोड़ने लगेगा तो इसमें खरबूजे का पेस्ट डाल दूंगा। और काजू का भी पेस्ट। इसमें हल्दी नहीं पड़ता है क्योंकि ये वाइट ग्रेवी है। इसको अच्छे से चलाते हुए भूनना चाहिए नहीं तो नीचे से पकड़ लेगा। चलाते रहना। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर।
इसको मिक्स करेंगे। मलाई डालेंगे, मलाई डालने के बाद अच्छे से भूनेंगे। पहले चलाते ही रहना, नहीं तो नीचे से पकड़ लेगा। और बिल्कुल स्लो रखना है क्योंकि दही इसमें डालने के बाद चलाते रहना, स्लो करना, नहीं तो फटने का डर रहता है, दही फट जाएगा, इसलिए इसको चलाते रहिए। एक स्पून चीनी डालेंगे, ऑप्शनल है। करीब पानी डालेंगे, ज़्यादा पतला नहीं बनाते हैं क्योंकि इसका ग्रेवी गाढ़ा ही रहता है और गाढ़ा ही अच्छा लगता है। ज़्यादा पतला रहेगा तो अच्छा नहीं लगता देखने में भी। नमक लास्ट में ही पड़ता है क्योंकि दही रहता है, इस वजह से फटने का डर रहता है, इसलिए नमक को लास्ट में डालते हैं। थोड़ा सा धनिया डाल देंगे इसमें और ढक करके 10 से 15 मिनट पकाएंगे। ग्रेवी बन के रेडी हो गया, अब इसमें कोफ्ते डालेंगे 2 मिनट के लिए। देंगे फिर, वैसे तो खाते समय ही कोफ्ते डालना चाहिए 2 मिनट पहले, नहीं तो ये बहुत मुलायम होते हैं, टूटने का डर होता है। जब भी खाना हो 2 मिनट पहले कोफ्ते को ग्रेवी में डालना चाहिए। एक स्पून बटर, ऑप्शनल है। मेरा कोफ्ता बन करके रेडी हो गया, अब मैं इसे गार्निश कर लूंगी। ये मेरा मलाई कोफ्ता बन करके रेडी हो गया है। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और फ्रेंड को नान रोटी चपाती से खाने में बहुत टेस्टी लगता है, और खाइए पीजिए, मस्त रहिए। बाय।